एक्शन में प्रशासन, अब तक 50 उपद्रवी गिरफ्तार, 100 से अधिक पर FIR। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल में उपद्रवी काटने वालों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। एक्शन मोड में आए प्रशासन ने 24 घंटे के भीतर 24 और लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक उपद्रव के मामले में 50 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जबकि 100 से अधिक लोगों को पर मुकदमा दर्ज किया गया है। महाराजगंज व शहर में लगे CCTV कैमरे की फुटेज को खंगाला जा रहा है। उपद्रवियों के दौरान पुलिस कर्मियों के बनाए गए वीडियो से भी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। प्रशासन की ताबड़तोड़ छापामारी की कार्रवाई को देख भीड़ में शामिल होकर उपद्रव करने वाले लोग फरार हैं। हरदी थाना क्षेत्र के महाराजगंज बाजार में प्रतिमा विसर्जन के दौरान मकान से पथराव के बाद रेहुआ मंसूर गांव निवासी 22 वर्षीय राम गोपाल मिश्र की हत्या के बाद आक्रोशित भीड़ ने महाराजगंज बाजार में तोड़फोड़ कर आगजनी की थी। शहर में भी स्टीलगंज तालाब के पास बाइक में आग लगा दी गई। अस्पताल चौराहे पर कई दुकानों को जला दिया गया था। कांजी कटरा में भी आगजनी का प्रयास किया गया। राम गोपाल की हत्या, 6 नामजद सहित 10 की तलाश। महाराजगंज बाजार में प्रतिमा विसर्जन के दौरान राम गांव की रेहुआ मसूर गांव निवासी 22 वर्षीय राम गोपाल मिश्र को घर में घसीट कर ले जाने और उसकी बर्बरतापूर्ण पिटाई कर उसके नाखून को उखाड़कर गोली मारकर हत्या मामले में हरदी पुलिस को 10 लोगों की तलाश है। थाना अध्यक्ष कमल शंकर चतुर्वेदी ने बताया कि महाराजगंज निवासी अब्दुल हमीद रिंकू उर्फ सरफराज, फहीम राजा उर्फ साहिर खान, रेहुबा मंसूर निवासी ननकऊ व मारूफ अली नामजद है, जबकि 4 अज्ञात के खिलाफ BNS की धारा 191(2), 191(3), 190 व 103(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।